A very good morning to all my friends, and also a very good morning to all my YouTube viewers. Sir and friends, हर बार की तरह हम आपके लिए कुछ यूनिक टॉपिक लेके आए हैं. हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी टॉपिक्स यहाँ पढ़ाएं जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो. तो आज हम ऐसा ही एक डायनामिक टॉपिक लेके आए हैं. वैसे फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं या किसी जॉब में हैं या फिर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड. बट एज इम्पॉर्टेंट एज वन टॉपिक इज अदर, एंड दैट इज स्पेलिंग. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, दैट इज़ गुड. लेकिन अगर आपको आपकी बात की स्पेलिंग नहीं आ रही या आप जो कहना चाह रहे हैं उसको रिटर्न में लिखना नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है. तो यही टॉपिक लेके हम आज आपके सामने आए हैं. वैसे तो आपने हमारे लास्ट वीडियो से मोर देन 100 प्रोनंसिएशन वर्ड्स किए हैं, लेकिन अगर किसी रीज़न से आपने वो वर्ड्स नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ उन वर्ड्स को आप पढ़ें और उनको ध्यान से लर्न करें. इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली इम्प्रूव होगा. तो मैं आज गीता आपके सामने एक डायनेमिक टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज स्पेलिंग्स. तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक पेन और कॉपी और 15 मिनट डेडिकेशन के साथ अगर मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं, तो आई एम श्योर दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, लेट मी स्टार्ट. Our first word is handkerchief. Handkerchief, hanky means rumal, जो कि हम सभी यूज़ करते हैं. ये हमारे गुड हैबिट्स में भी आता है कि हमें हैंकी यूज़ करनी चाहिए. देखिए स्पेलिंग्स, HANDKERCHIEF, दैट इज handkerchief. लेकिन देखिए प्रोनंसिएशन में क्या हो रहा है कि हम इसको handkerchief नहीं बोल रहे हैं. यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा जो डी हमारा अल्फ़ाबेट है वो क्या है, साइलेंट हो रहा है. तो हम बोलेंगे इसको handkerchief, लेकिन जब हम लिखेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि हम डी को भी लिखेंगे, मीन्स handkerchief करके लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे क्या, handkerchief. क्लियर? ओके, मूव टू ऑन अवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज निमोनिया. निमोनिया इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज एंड द स्पेलिंग इज PNEUMEONIA. दैट इज निमोनिया. लेकिन आप देखेंगे कि हम अगर स्पेलिंग के बेस पे इसको पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, पी, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पी निमोनिया नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बोलते समय हमारा प्रोनंसिएशन के टाइम पे पी हमारा साइलेंट रहेगा और हम इसको क्या पढ़ेंगे, निमोनिया. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड सिगरेट. अब देखिए हम बोल रहे हैं सिगरेट, तो ऑब्वियसली बात है कि हम कहेंगे सिगरेट की स्पेलिंग तो एस से शुरू होगी, लेकिन स्पेलिंग देखेंगे तो स्पेलिंग बनेगी CIGARETEE, दैट इज सिगरेट. इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि SIGRETE. ठीक है, मूव टू ऑन अवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज लेफ्टिनेंट. लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट तो किसी से भी पूछेंगे तो वो ऐसे ही बोलेगा कि लेफ्टिनेंट, LEFT ही बोलेगा. आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपकी स्पेलिंग अगर आप पूछते हैं कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होगी, तो LEFT से ही शुरू करेगा, लेकिन स्पेलिंग क्या होगी, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट. प्लीज़ रिपीट करेंगे, ये बहुत यूनिक स्पेलिंग्स में से एक है, LIEUTENANT, ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग. ये एक पोस्ट होती है आर्मी में, जैसा आप सबको पता ही है. सो नेक्स्ट स्पेलिंग इज COLONEL, दिस इज कर्नल. ये कॉलोनल नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे कर्नल. ये भी एक पोस्ट है आर्मी की. ये जो दोनों स्पेलिंग्स है, आप इस इन स्पेलिंग्स को अगर किसी से भी पूछेंगे तो 90% आपके जो भी आंसर मिलेगा वो गलत ही बोलेगा. तो ये बहुत ही यूनिक स्पेलिंग्स में से है, तो इन स्पेलिंग्स को आप ध्यान से पढ़िए. नेक्स्ट वर्ड नाइफ. नाइफ चाकू, मोस्टली किचन वगैरह में यूज़ होता है, तो नाइफ की स्पेलिंग होगी KNIFE.
इसको हम कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नाइफ पढ़ेंगे, इसमें हमारा के साइलेंट रहेगा. नेक्स्ट वर्ड ओट्स. ओट्स दलिया. ओट्स की स्पेलिंग होगी ओ ए टी एस, दैट इज ओ ए टी एस. इसको ओट्स नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ओट्स पढ़ेंगे. ओट्स दलिया. नेक्स्ट ट्वेल्थ. ट्वेल्थ जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें हमारा एफ कहीं भी नहीं आ रहा है, ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं इसको, ना कि हम ट्वेल्थ सुननी पढ़ रहे हैं. तो देखेंगे ट्वेल्थ की स्पेलिंग टी डब्ल्यू ई एल एफ टी एच, दैट इज ट्वेल्थ, ना कि ट्वेल्थ. नेक्स्ट सुनामी. सुनामी एंड द स्पेलिंग इज टी एस यू एन ए एम आई. सुनामी की स्पेलिंग में भी हमारा जो टी है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा. इसको हम टी सुनामी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सुनामी पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखें कि हमारा टी आएगा, टी एस यू एन ए एम आई, दैट इज सुनामी. मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज आर एच वाई टी एच एम. रिदम, ताल को बोलते हैं रिदम. रिदम की स्पेलिंग भी देखिए डिफरेंट है. अगर आपको ऐसे ही कोई बोलेगा कि रिदम की स्पेलिंग बताओ, तो आर आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, आर आई डी ए एम रिदम, बहुत ईजी है. लेकिन आप स्पेलिंग्स को देखेंगे तो क्या बनेगी, आर एच वाई टी एच एम, दैट इज रिदम. क्लियर. नेक्स्ट सी एच ओ एल ई आर ए, क्या बना ये, कॉलेरा. तो आप वैसे अगर कॉलेरा बोलेंगे तो आप बोलेंगे कॉलेरा के से, ईजी सा है, के से शुरू होगा, लेकिन कॉलेरा की स्पेलिंग क्या होगी, सी एच ओ एल ई आर ए. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिजीज, हैजा बोलते हैं उसको. नेक्स्ट सी ए एस टी एल ई, दैट इज कैसल. स्पेलिंग के बेस पे हम बोलेंगे यहाँ पर तो टी भी है तो इसको हम कैस्टल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, टी साइलेंट रहेगा, कैसल. इसको हम क्या पढ़ेंगे, सी ए एस टी एल ई, कैसल. कैसल किले को बोलते हैं, किले को हम और फोर्ट भी बोलते हैं, कैसल किला या फोर्ट. नेक्स्ट वर्ड बिजनेस. बिजनेस व्यापार, कोई व्यवसाय. तो बिजनेस की स्पेलिंग है बी आई एस नहीं बोलेंगे, बिस इजी है, बी आई एस एन यू एस, हम बोलेंगे बिजनेस की स्पेलिंग बी आई एस एन यू एस होगी, तो ये गलत है. बिजनेस की सही स्पेलिंग है बी यू एस आई एन ई एस एस, दैट इज बिजनेस व्यापार व्यवसाय. नेक्स्ट ऑसम, ए डब्ल्यू ई एस ओ एम ई, दैट इज ऑसम. ऑसम की स्पेलिंग बहुत, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे आजकल ज़्यादा ट्रेंड इसी में चल रहा है कि हम दूसरे को कमेंट करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में ऑसम लिख देते हैं, ओ एस यू एम, ऑसम. तो ये स्पेलिंग क्या है, गलत है. आप किसी के लिए कमेंट कर रहे हैं या किसी ने आज चलो नई ड्रेस पहनी है तो हम वैसे बुकों मतलब ओरली बोलेंगे तो हाँ यू आर लुकिंग ऑसम इन दिस ड्रेस, ओरली तो बोल दिया अगर, लेकिन हम रिटर्न में किसी की प्रोफाइल के लिए या पिक्चर्स के लिए कमेंट करते हैं तो ऑसम की करेक्ट स्पेलिंग ये होगी, क्या होगी, ए डब्ल्यू ई एस ओ एम ई, ऑसम. नेक्स्ट बुके, बी ओ यू क्यू यू ई टी, दिस इज बुके नॉट बुकेट. फूलों का गुच्छा, या हम जब किसी को प्रेजेंट करते हैं फूलों का तोहफा देते हैं ना एक साथ, तो उसको बोलते हैं बुके. स्पेलिंग बनेगी बी ओ यू क्यू यू ई टी, ना कि बी यू के ई. हाँ बोलने में हम बुके बोलेंगे लेकिन स्पेलिंग में हमारा टी आएगा ही आएगा, और स्पेलिंग भी बिल्कुल अलग बनेगी, बी ओ यू क्यू यू ई टी, दैट इज बुके और बुकेट. नेक्स्ट वर्ड क्रिस्टेनिटी, सी एच आर आई एस टी आई ए एन आई टी वाई. क्रिस्टेनिटी रिलीजन है, ईसाई धर्म. अब क्रिस्टेनिटी की स्पेलिंग हम बोलेंगे के से शुरू हो रही है, के आर आई एस एच, क्रिस्टेनिटी, क्रिस्ट जो पिक्चर आती है क्रिस से हम बोलेंगे के से शुरू होती है, लेकिन वो स्पेलिंग गलत है. हमारी स्पेलिंग होगी सी एच आर आई एस टी आई ए एन आई टी वाई, दैट इज क्रिस्टेनिटी, ईसाई धर्म. मूव टू ऑल अवर नेक्स्ट वर्ड वियर्ड, डब्ल्यू ई आई आर डी, दैट इज वियर्ड. हम वियर्ड की स्पेलिंग हमें बोलेंगे तो हम बोलेंगे डब्ल्यू ई यर्ड वाई ए आर डी, दैट इज वियर्ड, लेकिन स्पेलिंग गलत है. डब्ल्यू ई आई आर डी इज द राइट स्पेलिंग, और इसका मीनिंग होता है अजीब, अनोखा, कुछ हमें डिफरेंट लगे तो हम उसके लिए वियर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इंडी, स्पेलिंग इज आई एन डी आई सी टी.
ये भी एक यूनिक वर्ड है, आपसे कोई बोलेगा इंडीड की स्पेलिंग लिखो तो बोलोगे आप आई एन डी आई टी, इंडीड इजी है, लेकिन इस पर सी आएगा, आप सी लिखेंगे तभी आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी। इंडीड मतलब किसी पे आरोप लगाना, ये आपका इंडीड कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड एम्बेरस, एम्बेरस मीन्स अगर आप कहीं पर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं, तो उसको ई एम बी ए आर आर ए एस एस, मतलब स्पेलिंग के बेस में आप उसको क्या पढ़ोगे एम्बेरस, लेकिन इसको एम्बेरस नहीं बोला जाएगा, एम्बेरस बोला जाएगा, बोलते समय आपका प्रोनंसिएशन में आई आएगा ना कि ई आएगा, आप इसको एम्बेरस पढ़ेंगे, एम्बेरस नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मिलेनियम, एम आई एल एल ई डबल एन आई यू एम, दैट इज मिलेनियम। मिलेनियम मीन्स अ टाइम पीरियड ऑफ थाउजेंड ईयर्स, ओके। मिलेनियम की स्पेलिंग में भी देखिए आपको मिलेनियम, तो आप पक्का लास्ट वाले में वाई लगाएंगे, यम वाई ए एन मिलेनियम, तो लेकिन स्पेलिंग क्या बनेगी एम आई डबल एल ई डबल एन आई यू एम, दैट इज मिलेनियम, अ पीरियड अ टाइम पीरियड ऑफ थाउजेंड ईयर्स। इसी के साथ अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स, उसको क्या कहा जाएगा डिके, अ पीरियड ऑफ हंड्रेड ईयर्स इट इज कॉल्ड सेंचुरी, तो ये वर्ड्स भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्ड डिटेक्टिबल, दैट इज डी ई डी यू सी टी आई बी एल ई, डिटेक्टिबल पढ़ेंगे इसको ना कि टिबल पढ़ेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे आई है तो इसको हम डिडक्टिबल पढ़ेंगे, लेकिन इसको डिडक्टिबल नहीं कहेंगे, डिडक्टेबल बोलेंगे, दैट इज किसी को रिड्यूस करना, कुछ घटाना, इट इज कॉल्ड डिडक्टेबल, एंड द स्पेलिंग इज डी ई डी यू सी टी आई बी एल ई, दैट इज डिडक्टेबल, ओके। नेक्स्ट वर्ड सी ए आर आई बी बी ई ए एन, दैट इज कैरेबियन, कैरेबियन सी है अटलांटिक ओशियन का, तो और इसकी स्पेलिंग में आप कभी भी के यूज़ मत करिएगा, क्योंकि बोलने से ऐसा ही लग रहा है कि के से शुरू हो रही है कैरेबियन की स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग क्या है सी ए आर आई डबल बी ई एन, दैट इज कैरेबियन सी, और ये कहाँ है अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट वर्ड एकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी, दैट इज एकोमोडेट, एकोमोडेट करना मीन्स किसी को अपने अनुरूप करना, अपने अकॉर्डिंग करना, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेट। स्पेलिंग में आप ए के बाद के नहीं लगाएंगे, जैसे बोलने में आ रहा है एकोमोडेट, ए के ओ एकोमोडेट ऐसे हो जाएगा, लेकिन ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज पी एस वाई सी एच आई ए टी आर आई एस टी, ये बनेगा साइक्रेटिस मीन्स मनोचिकित्सक, ठीक है, ये भी एक डॉक्टर है, मतलब एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, क्या होगा वो साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक। नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या है, दोनों वर्ड्स देखिए सिमिलर है, दोनों में पी साइलेंट होगा, वो साइकेट्रिस्ट है। अगला क्या है साइकोलॉजी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में भी आप ये दोनों वर्ड्स में ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पी है वो साइलेंट रहेगा, और स्पेलिंग बनेगी पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, दैट इज साइकोलॉजी, पी साइकोलॉजी नहीं, इसको हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे लेकिन लिखते समय इसमें हम पी ऐड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड फैच, एफ ई टी सी एच, दैट इज फैच, इसको हम फैच नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर टी है, हम बोलेंगे टी है लेकिन यहाँ पर टी साइलेंट आएगा, इसको हम फैच पढ़ेंगे ना कि फैटेज। फैच मीन्स हो गया निकालना, वसूल करना या कुछ लाना, दैट इज फैच। नेक्स्ट वर्ड पी एल ई डी जी ई, प्लेज, प्लेज प्रतिज्ञा, हम लोगों ने स्कूल में कर रखी है प्रतिज्ञा, रोज ही असेंबली में अटेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेज, पी एल ई जे नहीं कहेंगे उसको, पी एल ई डी जी ई, दैट इज प्लेज। नेक्स्ट वर्ड आई एस ए एल ए एन डी, दिस इज आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको हम पढ़ेंगे आईलैंड, स्पेलिंग से बोलोंगे आई एस इज एल ए एन डी लैंड, ये तो आइसलैंड है लेकिन ये आइसलैंड नहीं है, इसको हम आईलैंड पढ़ेंगे। द्वीप, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, मीन्स एक जमीन का टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इट इज कॉल्ड आईलैंड, एंड अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला, दैट इज कॉल्ड
पेनिनसुला, ठीक है, एक लैंड पीस मतलब जमीन का टुकड़ा जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा है उसको हम पेनिनसुला बोलेंगे, और अगर वो दो तरफ से घिरा है तो उसको बोलेंगे इसमस, दैट इज इसमस। नेक्स्ट वर्ड अक्रेंस, अक्रेंस ओ सी सी यू डबल आर ई एन सी ई, दैट इज अक्रेंस। अक्रेंस की स्पेलिंग आप ए के आर ई एन सी ई नहीं कहेंगे, दैट इज द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ अक्रेंस। अक्रेंस मीन्स कोई घटना, कोई इंसिडेंट, हाँ तो उसको क्या कहेंगे अक्रेंस, और स्पेलिंग होगी ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, दैट इज अक्रेंस, घटना कोई इंसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड रिसिप्ट, आर ई सी ई आई पी टी, दैट इज रिसिप्ट। हम मोस्टली गलती यहाँ पर करते हैं, लेकिन बोलने में भी देखिए क्या है कि हम इसको रिसिप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो पी और टी तो आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सी के बाद का ई मोस्टली नहीं लगाते हैं, तो हम इस स्पेलिंग को लिखने में भी बहुत गलती करते हैं कि हम सी के बाद जो ई लगाना है आर ई सी ई, तो वो नहीं लगा के सीधे आई लिखते हैं। तो स्पेलिंग रिसिप्ट, रसीद, इसकी क्या होगी आर ई सी आई पी टी, दैट इज रिसिप्ट। नेक्स्ट वर्ड ए सी क्यू यू आई आर ई, एक्वायर, एक्वायर रिसीव करना, कुछ पाना या कुछ प्राप्त करना, दैट इज एक्वायर। स्पेलिंग के बेस में भी आप बोलेंगे इसको एक्वायर ही, क्यू यू ए आर ई नहीं लगाएंगे उसको, उन्हें तो वो एक्वायर बन जाएगा। अब इसको क्या बोलना है एक्वायर, एक्वायर कुछ रिसीव करना, कुछ पाना। नेक्स्ट वर्ड क्यू यू ई यू ई, तो क्यू यू यू ई नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमारा यू ई दो बार आ गया तो इसको पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो ये इसी से हमारा अल्फाबेट जो क्यू है आप क्यू बोल के इसको प्रोनंशिएट करेंगे, दैट इज क्यू। पंक्ति या कोई लंबी कतार, लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है तो उसको हम क्यू बोलते हैं, ईजी सा वर्ड है हमारा अल्फाबेट क्यू। नेक्स्ट एम आई एस सी ई डबल एल ए एन आई ओ यू एस, इसको अगर हम वर्ड्स पर जाएं तो क्या होगा मिस सेल एनियस, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ेंगे इसको हम मिस लेनियस, दैट इज मिस लेनियस। सी ई एल एल वाला जो टर्म है वो हमारा साइलेंट रहेगा, लेकिन स्पेलिंग इसकी करेक्ट यही है, आपको लर्न यही करनी है, ध्यान देना इन्हीं वर्ड्स पे है, एम आई एस सी ई डबल एल ए एन आई ओ यू एस, मिसलेनियस मीन्स डिफरेंट वे, अलग अलग तरीका। ठीक, अगला वर्ड फैशन, फैशन एफ ए एस ओ एन, फैशन, लेकिन ये गलत है, तो करेक्ट स्पेलिंग है वो है एफ ए एस एच आई ओ एन, फैशन। ट्रेंड, क्या हमारा ट्रेंड चल रहा है इस समय को, क्या हमारी वेशभूषा है, क्या हमने वेयर किया है, वो फैशन है। तो फैशन की स्पेलिंग कभी भी एफ ए एस ओ एन नहीं लिखनी है, फैशन की स्पेलिंग होगी एफ ए एस एच आई ओ एन, दैट इज फैशन। नेक्स्ट वर्ड फैशनेट, नेक्स्ट वर्ड इज फैशनेट एफ ए एस सी आई एन ए टी, दैट इज फैशनेट। फैशनेट की स्पेलिंग पे आप यहाँ पर डेफिनेटली सी लगाना भूलेंगे अगर आपको इस फैशनेट की स्पेलिंग नहीं आती है, एफ ए एस सी आई एन ए टी, दैट इज राइट स्पेलिंग ऑफ फैशनेट। फ्रेंड आज आपने बहुत सारी स्पेलिंग सीखी होगी आई होप, तो आप इन स्पेलिंग्स को और ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग हम आगे कई वीडियोस में लाएंगे, तो आप उनको लर्न करिए, उनको ध्यान से पढ़िए। सो फ्रेंड्स आई होप दैट यू हैव लर्न अ लॉट्स ऑफ स्पेलिंग्स एंड देयर मीनिंग ऑल्सो इन टूडेज लेक्चर। ओके एंड फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट्स डू कमेंट अस, we will definitely respond you, and don't forget to subscribe and like. We will be continue with all of you with more videos in future. So thank you and take care.